पर बेबो टीका लगा रही है, आज है भाई दूज, है ना भाई साहब? तो बेबो ने टीका लगा दिया, मिठाई खिला रही है, बेबो जी का भाई दूज हो गया। बेबो भी दीदी को मिठाई खिला रहा है। तो हेलो दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है गोवर्धन पूजा, भाई दूज पूजा, तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, मोहल्ले में किसी के घर में जाना है। तो मेरे पैरों में है ये चप्पल और इनके पैरों में जूते, ये हम दोनों का पैर है और ये हम दोनों का मुंह है। चलो तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, बाकी लोग पहले से पहुंच चुके हैं, बेबो सामने से आ रही है। तो हम लोग जा रहे हैं मीना के घर में पूजा के लिए। उनके घर में गोवर्धन पूजा होती है, भाई दूज की पूजा, तो उन्हीं के घर में जा रहे हैं हम लोग। जिनके यहाँ किसी और के यहाँ से भी आ रही होगी। तो ये आ चुका है मीना लोग का घर, यहाँ से हम लोग करेंगे एंटर। और यहाँ पर हमारे घर वाले पहले से ही बैठे हुए हैं कुछ लोग। मैंने नया सूट नहीं पहन के आई हूँ और कल नहीं है तैयार, देख यार मेरे को कहाँ देख रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बने हुए हैं भाई, उसके ये भाई हैं वाले और ये बहन है और ये भी उनके भाई हैं। और ये हम लोगों ने ना घर से लाके लाया है, और यहाँ पर तैयारी है पूजा की सब। हाँ और ये मेरे घर वाले बैठे हुए हैं। तो ये है मेरे पीछे मीना, ओहो मीना तो तैयार है भैया। तैयार नहीं हुए, ऐसे थोड़ा थोड़ा होके आ गए, शुरू हो गई। नहीं मना है, उधर से जा, उधर से घूम के जा, वहां से आ गई। तो मंजू जी भी आ चुकी हैं। अच्छा मंजू जी का इंतजार था क्या? हाँ ठंडी देख के आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है हमारे घर की, हमारे घर में कुछ लोग बीमार हैं, तो इसी के बारे में बात हो रही है। मौके तो ठीक हैं, हाथ पाँव में रहो, काले दाग से पाँव में होगा है। और दोस्तों यहाँ पर सबने टीका लगा दिया, फूल चढ़ा दिए और उनको खीर पूड़ी का भोग भी लगा दिया है, और मैंने भी पूजा कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर पूजा होती है यम देवता, उनकी बहन यमुना जी और उनके एक और जो भाई होते हैं उनकी। ऐसा कहा जाता है कि यमुना जी ने अपने भाई से वरदान मांगा था कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर में आकर भोजन करेगा उसको यम देवता जो हैं वो असमय परेशान नहीं करेंगे, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ बीच में हो जाता है, तो वैसा कुछ नहीं होगा।
इसलिए अगर आपके भाई हैं या आप किसी की बहन हैं तो आज के दिन अपने भाई को घर में बुलाकर भोजन ज़रूर कराएं, वो बहुत ही अच्छा होता है उनके जीवन के लिए। कर लिया वो नहीं है, बताओ इधर से। तो दोस्तों हमारी पूजा हो चुकी है, अब यहाँ पर सब लोग हवन कर रहे हैं। मैंने भी दोस्तों हवन कर लिया, मेरी भी पूजा हो गई। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को टीका लगा करके हमारे पैर छू जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि माता पिता जो होते हैं वो बच्चों को पैर छूते हैं। ऐसा लगा मेरे को टीका। देखो फिर गाड़ी मोटर लेकर आती। हम आराम से खा लेते घर में, खा ले। और रुक नहीं रहा है ना, इधर आ। हाय गाइस, टमाटर डाला टीका लगवा के। तो अब हम लोगों की पूजा हो चुकी है, हम लोग घर जा रहे हैं। ये रुक नहीं रहा है, वो लोग रोक रहे हैं प्रसाद खाने के लिए खीर पूड़ी, पर ये नहीं रुक रहा है। तो मैं इसको लेकर के जा रही हूँ घर, बाकी लोग अंदर बैठे हुए हैं, अभी महावर लगा रहे हैं। तो चलो हम लोग चले घर। ओके चलो हम लोग जा रहे हैं घर भाई अभी। तो दोस्तों हमारी पूजा हो चुकी है, इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त। निकल गया। प्लीज सब्सक्राइब करें। हाँ तो हम लोग आ चुके हैं घर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले से। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ओके बाय। हाँ बोलो बाय। ओके।